गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है और मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी फूल तोड़ के लाई हूँ और अभी मैंने ये चंदन घिसा है। तो ये रही बेलपत्री। बेलपत्री मैं राम राम जरूर लिखती हूँ, तो इसको कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। ये चंदन घिस लीजिए, फिर ये जो सीख होती है अगरबत्ती की या कोई भी पतली सीख है, तो उसमें डिप करके आप इसको लिखें और शंकर भगवान पे चढ़ाएं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँ कि आप ये जरूर किया करिए। मैं इसको रोज चढ़ाती हूँ इस तरह से लिखकर। बस मैंने टीका लगा दिया है चंदन का, अभी सिंदूर का टीका नहीं लगाया, तो बस मैं लगाने जा रही हूँ। अगर इस फूल को आप जानते हैं तो ये फूल गणेश जी पे और लक्ष्मी जी पे जरूर चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ लगी हो तो इसको जरूर आप चढ़ाएं। और लक्ष्मी जी को आपको जैसे कि पता होगा कि उनको लाल फूल बहुत पसंद है, तो जरूर चढ़ाएं। शंकर भगवान पे सब लोग कहते हैं कभी लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद ही फूल चढ़ाना चाहिए, या पीला फूल हो, कोई भी फूल हो, बट लाल फूल नहीं चढ़ाते हैं। आज लग रहा है इस कुकर को मैं आग लगा दूं, बस सी सी हो रहा है, सीटी नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गया है। और मुझे बनाना है आलू का पराठा, और आलू बॉइल नहीं हो रही है यार, बहुत देर हो गई। सुबह आरती करने बाद मैं लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। अभी आलू बॉइल्ड करने के लिए रखा, लेकिन यार सुबह से आलू बॉइल्ड बहुत देर से कर रही हूँ, मीन्स बट आलू बॉइल नहीं हो रहा है और पानी कुकर का जल जा रहा है, 2 बार हो चुका है। बिस्सिल हल्की हल्की सी तो बस सी सी हो रही है, बट पूरी तरह से सीटी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। एक तो तबीयत नहीं सही, ऊपर से ये मेरा कुकर बहुत परेशान कर रहा है आज। तो सोच रही जल्दी से सिर्फ आलू का पराठा बना दूँ और ग्रीन चटनी कर दूंगी साथ में, या चाय थोड़ी सी बना लेंगे, क्योंकि ईशान की तबीयत नहीं सही है, आशी की भी नहीं सही है और मेरी भी नहीं सही है। पहले सोचा बाहर से मंगा लें, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा रहने देते, घर पे ही आलू पराठा बना लेते हैं। और बहुत से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सबका। और प्लीज़ आप सब अपने फ्रेंड्स में भी मेरा वीडियो शेयर करिए, और इन 10-15 दिनों में बहुत से सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरे, तो उसके लिए शुक्रिया, बार बार शुक्रिया कहना पड़ेगा इसके लिए। और आज ईशान की तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, बट खाना नहीं खा पा रहा था, तो मखाने उसको फ्राई कर दिए थे। मखाने फ्राई पसंद है, मैगी पसंद है, तो वो मैगी भी नहीं खा पा रहा था, तो समझ लीजिए उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको आलू पराठा पसंद है, शायद खा ले, नहीं खाएगा फिर उसको थोड़ा सा मखाने फ्राई कर दूंगी, कुछ तो खाए ये चीज़ है, क्योंकि उसको मेडिसिन उसकी ज़्यादा हैवी है, तो लग रहा कुछ उसके पेट में जाए। अभी आशी का इंतज़ार कर रही हूँ और कपड़े धुलने को पड़े हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बज रहा है। अब मैं सारा काम करना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि अभी मैंने मेडिसिन ली, थोड़ा सा मालिश करवाई, तो मुझे थोड़ा काफ़ी रिलीफ लग रहा, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर से वही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और पैरों में बहुत एकदम लग रहा था मेरा पैर ढीला हो गया, तो एकदम मैं बेड पर लेट गई थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी स्वेलिंग भी काफ़ी आ गई है फेस में, कल से तो ज़्यादा है स्वेलिंग, ये सब पूरा नोज़ वगैरह सब मेरा स्वेलिंग आ गई है, तो जैसे ही दिक्कत होती है तुरंत फेस पे भी मेरे इफेक्ट पड़ जाता है। हो जाऊंगी सही, दिल कहता है जल्दी होंगी सही। आज धूप बहुत ज़्यादा है, अभी बैठी हूँ,
आशी का वेट कर रही हूँ। चलिए तब तक का किचन में मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरी आलू कैसी बॉइल्ड हो रही है। अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैं आलू को फ्राई नहीं करती हूँ और सिर्फ ऐसे प्लेन आलू को ही मैं सब चीजें डाल के बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी धनिया काटती है, थोड़ा सा मिर्च है, ये मिर्च सिर्फ अपने में ऐड करूंगी, बच्चों के भी नहीं ऐड करूंगी क्योंकि उनको मिर्च नहीं पसंद है, और थोड़ा सा मैं अनियन डालूंगी। तो चलिए मैं अनियन को थोड़ा सा काट लेती हूँ। छोटे स्लाइस काटूंगी बस। मैं बहुत कम ही फ्राई करके आलू बनाती हूँ, आलू का पराठा जब बनाती हूँ एकदम सिंपल वे से बनाती हूँ और हरी चटनी या दही के साथ ही सर्व करती हूँ, काफी टेस्टी लगता है। कभी आपको बनाना हो तो ट्राई कीजिएगा, अगर आप फ्राई करके ही बनाते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। या सैंडविच वगैरह भी बनाती हूँ तो उसमें भी आलू कम ही फ्राई करती हूँ मैं, बट बच्चों को सैंडविच वगैरह में तो आलू फ्राई पसंद है, बट मुझे प्लेन ही अच्छे लगते क्योंकि ऑयल से थोड़ा मैं दूर रहती हूँ। इतना इनफ है। और आलू थोड़े ठंडे हो जाए तब मैं मैश करूंगी, ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म में मेरे से मैश नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा आटा जो मैंने लगा रखा है। तो इसको मैंने क्या किया था, पहले माड़ लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको पानी लगाकर थोड़ा सा छींटे डाल के रख दी। अब इसको मैं एक दो हाथ सिर्फ और लगाऊंगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और आलू पराठा जब भी बनाइए तो आटे को बहुत गीला रखिए, जितना गीला रखेंगे उसमें उतना आप आलू अंदर स्टफिंग कर पाएंगे। तो अगर आप बनाने में एक्सपर्ट है तो कोई बात नहीं, बट हाँ जितना आटा गीला रहेगा उतना उसमें आप स्टफ कर लेंगे और वो फटेगा भी नहीं। तो मैं इसे अनियन डाल रही हूँ, वो फ्राई तो है नहीं, सॉफ्ट नहीं है तो वो भी नहीं इसमें फटता है, काफी अच्छा बनता है। बस मेरा आटा देखिए एकदम रेडी हो गया। अब मैं इस पे स्टफिंग भर लूंगी। आप इसमें जितनी भी अंदर करेंगे तो बहुत ही कम इसमें क्रैक आएगा, अच्छी तरह से ही ये बेलते बने। बस अगर फटेगा भी साइड से तो वो प्याज के पीछे ही फटेगा, वरना इस तरह से नहीं कि आप बेल ना पाए या ज्यादा कट हो रहा है, वैसा नहीं होगा। और आप जब इसको बेलोगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट मतलब हो जाएगा, मतलब आपको आलू दिखेगा, इतना पतला बेलते बनेगा। तो ज्यादा आटा गीला रहने से अच्छा बनता है। तो बस अब मैं इसको बना लूंगी। शाम को हम लोगों के यहाँ आज भंडारा है तो भंडारा खाने जाएंगे। ये देखिए इसमें आपको प्याज दिख रहा है हल्का हल्का, तो ये एकदम मैंने पतला बेला है इसलिए, और आलू इसमें ज्यादा भरा है तो इसलिए हल्का हल्का पारदर्शी सा दिख रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा बेला है, ये नहीं कि आटा ज्यादा है आलू कम है। और मैं थोड़े बड़े बड़े परेठे बनाती हूँ क्योंकि बच्चे उसको काउंट करते हैं, तो अगर इसको एक भी खाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। अब ये मैं दूसरी लोई बनाऊंगी, बस जल्दी से बनाकर फ्री हो जाऊंगी। इसी तरह मैं सब परेठे को बना लूंगी।
और पढ़िए। नहीं, फर्स्ट में क्या लिखा था? गा, ये क्या लिखा? गा, और जा, जा क्या हुआ? गा जा गज गज गज, ये क्या? गा धा गढ़, ये क्या लिखा है? पढ़ो, लाइन से पढ़िए। पढ़ने मन कर रहा है कि खेलने का मन कर रहा है? खेलने को पढ़ने मन नहीं करता है, करता है। गंदे बच्चे हो गए हो। अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो रो क्यों रहे हो आप? पापा जी थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। दीदी कहाँ है? ट्यूशन गया। नहीं गया दीदी, ट्यूशन गया। दीदी नहीं आया, जाना ले गया। चलो पढ़ो। पढ़ाई करने से ट्यूशन नहीं जाना। ये आपका ट्यूशन है, आप घर में पढ़ो। नहीं है। कुछ कह रहे हो आप? बाहर जाने की हो। बाहर जाना है। किसको? मुझे। तो जाइए, साइकिल धीमे धीमे चलाना, सुन रहे हो ना? गुड बॉय की तरह धीरे धीरे, ठीक है ना? आपको फीवर आ रहा था ना, पता है ना? डॉक्टर अंकल ने कहा है कि भैया इसका है ना धीरे धीरे साइकिल चलाएगा, ठीक? अच्छे बच्चों की तरह। लुक यार, आज यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग है और साथ में बूंदी भी है मीठी प्रसाद में। तो देखिए कितने भक्तगण आए हैं आज भगवान जी की छठी मनाने। राधे राधे।